125 के सुपर हैवी का वही वजन है, अब मेरे ख्याल से 130 के बाद तो नहीं करते थे ना, नहीं 130 इसका तो मना कर देते हैं, रिटेल में 125 हाँ और ग्रीक में 130 हाँ, और ध्यान रखना आपको अपने ज़्यादा लिखा ना। अच्छा आपका नाम क्या है? मैं तोमर। तो तोमर साहब कितने टाइम हो गया पहलवानी करते हुए? अनुभवी पहलवान था, 7-8 साल हो गए। तो 7-8 साल में कहाँ कहाँ पहलवानी करी, मैच मिट्टी में ज़रा बताइए आपका कैसा रहा सफ़र क्या? अच्छा हाँ मिट्टी में भी ठीक चला। तो अभी आपने ग्रीको रोमन में फ्री स्टाइल में, तो फ्री स्टाइल में सुपर हैवी में जूनियर में आपने ब्रॉन्ज लिया, बड़ी खुशी की बात है कि मतलब यूपी में अब जो है हमने जिन भी अखाड़ों में मैं गया हूँ अभी तक सभी अखाड़ों में कोई ना कोई बच्चा मेडलिस्ट है, और अब हरियाणा में तो बहुत मिल जाते हैं लेकिन यहाँ पहले इतने नहीं दिखाई देते थे, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि हम ये लोग भी यूपी के लोग भी कंपटीशन में आगे आ रहे हैं, एलिवेट हो रहे हैं। तो अगर यही चलता रहा तो बढ़िया कंपटीशन होगा, और क्योंकि हैवी वेट में अभी बहुत समय लगेगा हमें इंटरनेशनल मेडल में ओलंपिक या वर्ल्ड चैम्पियन एशिया में लेने के लिए, पर मतलब कॉमनवेल्थ का टारगेट हो सकता है। आपका क्या टारगेट है? ओलंपिक टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत अच्छी बात है। और मिट्टी में किस किस से कुश्तियाँ हुई? आप तो सुपर हैवी में होकर बड़ी कुश्तियाँ हुई होंगी, सभी से हुई कोई खास नाम कोई बढ़िया पहलवान हाल फिलहाल में? लेकिन जीदारी है, किसी से भी लड़ लोगे ना, ऐसा ही होना चाहिए पहलवान, किसी से भी लड़ा दो। मैं हरियाणा में वो देखता हूँ ना जब जिनकी कुश्ती नहीं होती वो भी कहता है किसी से भी लड़ा दो मुझे, चाहे गुरु खलीफा ही हो। पैसे चाहिए, पर बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर हिम्मत है और आप लड़े हो और आपने मेडल लिया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अभी यह अखाड़े के लिए ब्रॉन्ज मेडल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मतलब वो मेडल जल्दी ही सिल्वर और फिर गोल्ड में बदलेगा। पहलवान को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। Thank you.